कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रवाह भाग 2 का आकलन 1 हल करेंगे, पेज नंबर 37 पर। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यहाँ हमें एक संख्या दे रखी है, उसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है। संख्या है 4938। इसको हम विस्तारित रूप में लिखने के लिए पहले 4000 वाला अंक लेंगे और उसके पीछे 1, 2, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे। फिर सैकड़ा वाला अंक लेंगे 9 और उसके पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर दहाई वाला अंक लेंगे 3 और 3 के पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। इसके बाद इकाई वाला अंक लेंगे 8, तो 4938 का विस्तारित रूप होगा 4000 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 8। इसमें अगले में हमें पहले से विस्तारित रूप दे रखा है, इससे हम संख्या बनाएंगे तो यहाँ इकाई के स्थान पर 9, दहाई के स्थान पर 0, सैकड़ा के स्थान पर 4 और हजार के स्थान पर कितना आ रहा है 9। तो हमारे पास संख्या बनी है 9409। इससे हम संख्या बनाएंगे, इकाई के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 0, सैकड़ा के स्थान पर 8 और हजार के स्थान पर 7। संख्या का विस्तारित रूप होगा 800 प्लस 7000 प्लस 5 प्लस 0 का 7805। यहाँ हमें आधा विस्तारित रूप दे रखा और संख्या दे रखी है। संख्या है 7638। इसमें हमें 7 का विस्तारित रूप निकालना है, तो 7 का विस्तारित रूप होगा 7000। 3 का दे रखा है 30, 6 का दे रखा है 600 और 8 का कितना हो जाएगा 8। अगला है 8765। तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या है 5, दहाई के स्थान पर 6, सैकड़ा पर 7 और हजार पर 8। तो यहाँ लिख देंगे इकाई पर 8, सैकड़ा पर 7, दहाई पर 6 और हजार पर 8। इस प्रकार हमने विस्तारित रूप हल किए। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर दर्शाइए गई संख्या लिखिए। यहाँ हमें संख्या दिखा रखी है 470। इस संख्या रेखा पर हमें बताना है कि 470 कहाँ है। तो हमने ये देखा है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500। तो 450 और 500 के बीच में हमारे पास 470 आएगा। तो यहाँ ये 460 और ये कितना हो गया 470। अगली लाइन में हमें बताना है, तो यहाँ हमें ये पहले से त्रिभुज बनाया हुआ है, इस त्रिभुज में कौन सी संख्या आएगी हमें ये देखना। तो 150 और 200 के बीच में आएगा 175, तो यहाँ हमने लिख दिया 175। अगला दे रखा है 140, तो यहाँ हमें 100 दे रखा है और इधर 200 दे रखा है, यहाँ 0 दे रखा है। तो उनके बीच वाली संख्या हम लिख देंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। इसमें से हमें 140 ढूंढना था, तो हमने 140 पर बॉक्स बना दिया। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। यहाँ हमें 5770, तो हमने अंकों में लिख दिया 5770। अगला है इसी का दूसरा 4094, तो ये आ गया हमारे पास 4094। अगली संख्या है 6399, तो हमने इसको अंकों में लिख दिया 6399। 7155, 7155 हमने अंकों में लिख दिया। प्रश्न नंबर 4, खाली स्थान में संख्या भरे 3000, तो यहाँ हजार के स्थान वाला अंक खाली है तो यहाँ कितने लिख देंगे 3। 5 यहाँ हमें दे रखा था 560, तो यहाँ आ गया 6, 3560। अगला है 7009, तो यहाँ कितना लिख देंगे 7 और 0, 5400, तो 5000 तो पहले से दे रखा 400 हमने लिख दिया। 2000, तो यहाँ हजार का स्थान पर कितना आ गया 2, 863। इस प्रकार हमने इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 5, दिए गए अंक कार्ड की मदद से संख्या बनाइए। यहाँ हमारे पास अंक कार्ड दिए हुए हैं 3, 6, 2, 9। इनसे हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमने पहले सबसे छोटे अंक लिए और उसके बाद अंकों को बढ़ते क्रम में लिया। तो 2, 3, 6, 9, 2369, और ये आ गया हमारे पास बड़ी संख्या और उनको घटते क्रम में, तो 9632 सबसे बड़ी संख्या है। अगली संख्या में हमारे पास सबसे छोटी संख्या बनी है 1024 और सबसे बड़ी संख्या बनी है 4210। अगले कार्डों से हमने 2359 तथा ये सबसे बड़ी संख्या बनी है 9532। अगले कार्डों से 5068 और 8600
50 सबसे बड़ी संख्या बनी है। इस प्रकार हमारा आकलन 1 पूरा हुआ।